विश्व भर में सबसे पहली होली भगवान महाकाल के दरबार में जलाई जाती है। इसके बाद देश भर में होली का दहन होता है। प्राचीन मान्यताओं के चलते भगवान महाकाल के दरबार में होली का दहन की तैयारी एक दिन पहले ही कर ली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, महाकाल के दरबार में होली का दहन को लेकर किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं देखा जाता। हजारों की संख्या में भक्त महाकाल की भक्ति में लीन होकर अबीर गुलाल के साथ होली खेलते हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर गुलाल और रंगों से पट जाता है। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए श्रद्धालु हर साल एक दिन पहले उज्जैन पहुंचते हैं। महाकाल मंदिर के परिसर में होने वाले होलिका दहन का अपना अलग ही महत्व है। ग्वालियर पंचांग के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर में 24 मार्च 2024 को प्रदोष काल में मंत्रोच्चारण के साथ होलिका दहन किया जाएगा। अगले दिन 25 मार्च 2024 को सुबह भस्म आरती के बाद बाबा को अबीर और हर्बल गुलाल का श्रृंगार कर रंगोत्सव मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सभी प्रमुख त्योहार सबसे पहले बाबा महाकाल के मंदिर में मनाए जाते हैं। भाई, भारतवर्ष में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें सर्वप्रथम पहला त्यौहार महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में मनाया जाता है, महाकालेश्वर जी में मनाया जाता है। उसी प्रकार से दिवाली भी सबसे पहले यहीं मनाई जाती है। उसी प्रकार से डांडा रोपण भी यहीं पर होता है। यहाँ पर जो पूर्णिमा होती है उस पर डांडा रोपण होता है और उसके बाद जो होलिका का दहन होता है। तो पूरे भारतवर्ष में एकमात्र स्थान जो सर्वप्रथम यहाँ पर संध्याकालीन आरती होती है, यहाँ के मुख्य पुजारी जी घनश्याम गुरु जी आरती पूजन करते हैं, उसके पश्चात यहाँ पर होली का दहन किया जाता है और फिर उसके बाद संपूर्ण भारत में होली मनाई जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो होली मनाई जाती है यहाँ पर उसी रात्रि भस्म आरती में भी यहाँ पर भक्तजन और पुजारीगण और पुजारी परिवार यहाँ पर होली का आनंद लेते हैं। रंगों और गुलाल का सैलाब उड़ जाता है जो विश्व प्रसिद्ध हो गया है यहाँ पर। और एक महीने पहले जो डांडा रोपी पूनम बोलते हैं उसको, डांडा रोपी पूनम पर यह डांडा गाड़ा जाता है और एक महीने के उपरांत जो पूर्णिमा अगली आती है उसके उस उपरांत होलिका का पूजन किया जाता है, उसके बाद उसका दहन किया जाता है। लोकल 18 उज्जैन से शुभम मरमट की रिपोर्ट।